दोस्तों आज अनदर तो दोस्तों अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, देखा तो बहुत बार है लेकिन पहली बार उसको ढंग से टाइम स्पेंड कर पाया मैं आज बियर्डेड वल्चर के साथ, जिसको लेमरगियर भी कहते हैं हम। तो बहुत दूर से देखा मैंने उसको और मैं मुनाल शूट कर रहा था तो देखा मैंने एक बहुत दूर पत्थर पर समथिंग वाइट चमक रहा था। तो जब मैंने उसको कैमरे से देखा तो इट वाज अ बियर्डेड वल्चर जो उस पर पर्च करके बैठा हुआ था। तो मुनाल्स काफ़ी थे बट मैंने सोचा कि आज तक मैंने इसको शूट किया नहीं और वो काफ़ी आराम से बैठा था, सो आई थॉट आई विल अप्रोच इट धीरे धीरे करके। तो धीरे 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 रिज बाय रिज मैंने उसको क्रॉस किया। आई थिंक एरियल डिस्टेंस अराउंड 400-500 मीटर रहा होगा ऐसे कुछ। तो धीरे 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 मैंने उसको अप्रोच किया, शूट भी करता गया और वो कंफर्टेबल था उड़ानी वो, तो मैंने थोड़ा हैबिटेट शॉट बनाए पीछे माउंटेंस के साथ जो मैं चाह रहा था बनाना। पोर्ट्रेट मुझे वैसे नहीं चाहिए था। तो धीरे धीरे मैं क्लोज़ आता गया और जब मैं क्लोज़ आया तो सडनली जिस रॉक पे वो बैठा था उस रॉक के ठीक पीछे के रिज पे एक मोनाल आ गया। तो बेसिकली पत्थर पे बियर्ड वल्चर था और उसके ठीक पीछे एक हिमालयन मोनाल मेल था जो फीड कर रहा था बुग्याल पे। और सिंस बियर्ड वल्चर लाइक शिकार नहीं करते हैं, हंट नहीं करते नॉर्मली, तो काफ़ी क्लोज था वो और वो दोनों काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाइक वो बैठा था और वो मुझे देख रहा था लेकिन जो मोनाल था वो आराम से फीड कर रहा था। तो और क्लोज आया मैं, कुछ शॉट्स भी लिए मैंने, थोड़े बहुत वीडियोस भी बनाए कुछ बट एवेंचुअली मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आ गया। फिर इट एवेंचुअली टुक ऑफ और बहुत मज़ा आया। पहली बार इतना टाइम स्पेंड किया किसी लेमरगियर के साथ। आई थिंक 25-30 मिनट के आसपास लगेंगे मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में और तब तक वो कंफर्टेबली था वहाँ पे। बीच हिमालयन मोनाल भी दिखे, रास्ते में उनको भी शूट किया। तो बस यही शेयर करना था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हाँ मेरे पीछे आप चौखम्बा देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों। सुबह सुबह की धूप स्किन को जला तो ज़रूर रही है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पूरा लैंडस्केप बहुत अमेजिंग है।